हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को। गाइस ये वीडियो मैं आपको एक इंटरफेरेंस थीम देने वाला हूँ, लेटेस्ट थीम देने वाला हूँ। गाइस आपको यदि इंटरेस्ट है वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। एंड गाइस ये वीडियो के अंदर मैं आज आपको पिक्सल 5 का देने वाला। एंड आपको तो पता होगा जो पिक्सल हमारा सीरीज हुआ करता था वो सीरीज नहीं है, ये लिटरली पिक्सल 5 जो अभी लॉन्च हुआ है, नया डिवाइस समझ सकते हो पिक्सल की तरफ से, गूगल पिक्सल की तरफ से, उसका डायरेक्टली थीम है। एंड इसमें आपको पूरा स्टॉक काउंटर मिल जाता है, इसमें बहुत सारा चीज मिल जाता है, नया फिंगरप्रिंट के साथ साथ नया स्टेटस बार वगैरह मिल जाता है। तो इसलिए वीडियो को स्टे ट्यून कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो जरूर करना। एंड लाइक कर सकते हो, आज के लाइक 55 लाइक ओनली। चलो वीडियो में बढ़ते हैं, इसको कैसे डाउनलोड करना है एंड इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या नया नया फीचर्स मिल जाता है, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करके आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस पहले इस थीम के मैं बता देता हूँ, उसका दो वेरिएंट है, फिंगरप्रिंट विदाउट फिंगरप्रिंट। ऐसा नहीं है कि भाई आपने फिंगरप्रिंट इंस्टॉल किया आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी हार्डवेयर वाला फिंगरप्रिंट है तो फेक फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम का नहीं ब्रो। मैंने फेक फिंगरप्रिंट के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर फिंगरप्रिंट के साथ साथ मैंने इंटरनल जो हार्डवेयर का फिंगरप्रिंट होता है इसमें भी मैंने इंटीग्रेशन किया है, सो दैट वो जो फिंगरप्रिंट आप देख सकते हो ये आपकी हार्डवेयर के लिए भी काम करेगा। मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह तो इंटरफेस देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको आइकन्स वगैरह कुछ ऐसा मिल जाता है। एंड ये ऑब्वियसली पिक्सल 5 का है तो ऑब्वियसली के लेटेस्ट इंटरफेस के साथ आएगा, लेटेस्ट वॉलपेपर के साथ आएगा ऑब्वियसली। एंड आई होप कि गाइस इस थीम को आप बहुत लाइक करोगे। तो इंटरफेस पहले देखोगे तो आपको होम स्क्रीन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही ओपी दिखते हैं वॉलपेपर के साथ, आपको पता भी नहीं चलता, मतलब आपके फ़ोन का जो बॉर्डर होता है डिस्प्ले का वो पता नहीं चलता, आपको ऐसा दिखता है कि ब्लेजरलेस डिस्प्ले पूरा का पूरा डिस्प्ले फ़ोन है आपका, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे उसका जो आइकन्स है, नया आइकन्स ऑब्वियसली पता आपको पता होगा, नया आइकन्स यहाँ पे मैंने ऐड किया है जो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका जो मतलब आइकन्स वगैरह इस तरह का देख सकते हो, मैंने आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का कुछ आपको आइकन्स देखने को मिल जाता है। एंड वीडियो के लिए आपको ऑब्वियसली पासवर्ड के लिए आपको वीडियो क्लास तक देखना पड़ेगा। एंड स्टेटस बार देखोगे गाइस, एक नया टेक्नोलॉजी का स्टेटस बार, नया डिज़ाइन का स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली एक स्टॉक स्टेटस बार है बट यहाँ पे इसका जो व्हाइट का जो फोरग्राउंड है इसमें आपको डिफरेंट टाइप का आपको मतलब डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एंड आई होप कि ये भी आपको पसंद आएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे अपना मतलब वॉल्यूम पैनल के गाइस। वॉल्यूम पैनल आप जब ये देखोगे इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये जो मतलब कॉलर का मतलब नोटिफिकेशन पैनल एक भाई ने रेकमेंड किया था मेरे को इंस्टा पे, सो दैट मैंने किया है। आई होप कि गाइस ये भी पसंद आपको आएगा। एंड आपको यहाँ पे स्टेटस बार भी देखोगे आपको स्टॉक का दिशा देखने को मिल जाता है। एंड चलो आपको दिखा देते हैं आपको सेटिंग्स पैनल वगैरह कैसे मिल जाता है। आपको यदि सेटिंग्स पैनल देखोगे इस तरह का आपको सेटिंग्स पैनल आपको देखने को मिल जाता है स्टॉक का एंड्रॉइड जैसा। एंड जी दोस्तों ये मैंने ये सेटिंग्स पैनल बहुत थीम के अंदर यूज़ किया है बट क्योंकि ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है मैंने इसीलिए ही यूज़ किया क्योंकि पिक्सल स्टॉक एंड्रॉइड थीम है तो इसको यूज़ करना तो मतलब बनता है गाइस, क्योंकि इस तरह का स्टॉक एंड्रॉइड मतलब इंटरफेस आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पे तो बात कर चुके हैं इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन की। एटलीस्ट हम लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो इस तरह कुछ आपको लॉक स्क्रीन स्टॉक एंड्रॉइड पिक्सल जैसे देखने को मिल जाता है, उसका क्लॉक वगैरह विजिट वगैरह। एंड आप इसको यूज करेंगे तो आपको 99% फील होगा कि मैं पिक्सल सिम यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट इस तरह का देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप इस तरह का स्कैन करोगे आपको इस तरह का आपको डिफरेंट टाइप का फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। गाइस यदि आपके फ़ोन के अंदर पहले से ही फिंगरप्रिंट है जैसे कि मेरे फ़ोन में है XT के अंदर तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऐड करके आपके फ़ोन के अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट है देख सकते हो, ये जो पिक्सल वाला जो आप फिंगरप्रिंट देख सकते हो आपके फ़ोन के अंदर काम करेगा। यदि आपके फ़ोन के अंदर पहले से फिंगरप्रिंट एनिमेशन मतलब आपकी हार्डवेयर के अंदर है तो आप इस तरह का फिंगरप्रिंट आप इसे ऐड करके आप नॉर्मली यूज कर पाओगे। इस तरह का जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो मिलता है फेक वाला यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करता है, मैं आपको दिखाने के लिए बस आपको दिखा दिया हूँ, इस तरह का आपको मिल जाता है, हार्डवेयर में भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चार्जिंग एनिमेशंस की बात करेंगे तो इस तरह का आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है। एंड आई नो दैट ये चार्जिंग एनिमेशन पिक्सल के अंदर भी 4 के अंदर यूज हुआ था एंड ये एनिमेशन आपने बहुत अच्छे से लाइक किया था एंड एक ही बार यूज हुआ था तो मैंने सोचा और एक बार ऐड कर लेते हैं, इसमें अच्छा भी इसे देखने को मिल जाता है तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो तो इस तरह का आपको मिल जाता है, मैं आपको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको 5 मिनट्स को ट्रायल को कैसे बाईपास करना है एंड अपने फ़ोन के अंदर कैसे यूज करना है इस थीम को। ओके तो सिंपल से वीडियो को स्टे ट्यून की
लीजिए एंड आपको अच्छे से पता लगेगा इसमें कैसे कर क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे तो आपने सब कुछ देख लिया होगा। तो सिंपल सिर्फ 5 मिनट्स का ट्रायल को बाईपास करने के लिए एटलीस्ट आपके फ़ोन के अंदर लेटेस्ट थीम स्टोर होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको iMode का लेटेस्ट एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो सिंपल से मैं आपको दिखाता हूँ थीम स्टोर का वर्जन मेरा कितना है एंड एटलीस्ट आपको 7.11 होना चाहिए जब जाके 5 मिनट्स का ट्रायल काम करेगा। तो आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपको जो iMode Pro ओपन कर देना होगा लेटेस्ट एप्लीकेशंस का, जो iMode Pro मैंने आपको लिंक दिया था, एक डेडिकेट भी वीडियो बनाया था उसका चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने iMode Pro के लेटेस्ट एप्लीकेशंस का इंस्टॉल दिया है। तो सिंपल से यहाँ पे iMode Pro को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है ऊपर में, आपको सिंपल से यहाँ पे टैप कर देना है थीम को अप्लाई करने बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का 5 मिनट्स का ट्रायल आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाएगा एंड आपके फ़ोन के अंदर बाईपास यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। एंड अभी आप चाहे 5 मिनट्स का ट्रायल बाईपास करके आप डेली बेसिक्स में ये थीम को विदाउट एनी एरर विदाउट एनी इशू आप इसको यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको देखा तो फाइल का साइज दोनों ही ऑब्वियसली मतलब मिल जाता है, जैसे कि आपको मैंने देखा दिया है विद फिंगरप्रिंट विदाउट फिंगरप्रिंट, जिन्होंने हार्डवेयर वाला है वो भी यूज़ कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर वाला भी यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एंड थीम का साइज बहुत ही छोटा है एंड ऑब्वियसली आप यूज कीजिए मेरे को बताइए एंड इसका डार्क वर्जन भी कल हो सके तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।